नमस्कार मित्रों, आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। ये थी रावण की आखिरी इच्छा। हिंदू शास्त्रों में रावण को महाज्ञानी पंडित माना जाता है। एक ऐसा पंडित जिसके वध के बाद श्री राम को पश्चाताप के लिए इलाहाबाद के श्रृंगवेदपुर जाना पड़ा, जहां एक नदी के पास उन्होंने पश्चाताप किया। रावण के पास इतना ज्ञान था कि वह भविष्य भी जान सकता था। उसे अपने मृत्यु का आभास पहले ही हो गया था, लेकिन राक्षस कुल में रहने के दौरान उसने जो अनैतिक कार्य किए थे, उन सभी के पश्चाताप के लिए वह स्वयं विष्णु के अवतार श्री राम के हाथों से मुक्ति पाना चाहता था। लेकिन इसके बाद भी उसके बहुत सारे इच्छाएं अधूरी रह गई थी। तो चलिए अब पौराणिक कथाओं के आधार पर ये जानते हैं कि ऐसे कौन सी कार्य थे या ऐसी कौन सी इच्छा थी रावण की, जिससे उसने मरने से पहले भगवान श्री राम को बताएं। रावण चाहता था कि वह स्वर्ग तक जाने के लिए एक ऐसा सीढ़ी बनाए जिसके जरिए लोगों को सीधे मोक्ष की प्राप्ति हो। रावण की लंका सोने की बनी हुई थी, लेकिन वह चाहता था कि सोने से हमेशा सुगंध आते रहे, ताकि वह जहां भी लगाया जाए या पहना जाए वह स्थान सुगंधित रहे और सोना तलाशते वक्त कोई परेशानी ना हो। वह स्वयं दुनिया भर के सोने पर अपना आधिपत्य चाहता था। रावण का रंग काला था, इसलिए वह चाहता था कि दुनिया के हर शख्स का रंग काला हो, ताकि कोई भी उसकी निंदा ना कर पाए। मित्रों, रावण के अंतिम इच्छा बताने से पहले आप सभी से विनम्र निवेदन है, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। रावण की अंतिम इच्छा थी कि शराब से आने वाले गंध को मिटाएं और इसके स्थान पर शराब से खुशबू आए, ताकि लोग इसका सेवन कर सके और अधर्म को आसानी से बढ़ा सके। रावण चाहता था कि प्रकृति के सभी जीवों के खून का रंग सफेद हो जाए, क्योंकि देवताओं से अक्सर युद्ध के दौरान जितने भी लोगों का खून बहा नदियों में मिलने के कारण प्रकृति का संतुलन बिगड़ गया था। इस कार्य के लिए रावण को दोषी माना जाता था, इसलिए उसने विचार किया कि यदि खून का रंग सफ़ेद हो जाए तो वह पानी का रंग हो जाएगा। तो आशा करता हूँ मित्रों, मेरे चैनल में बताई गई ये छोटी सी जानकारी आपको जरूर पसंद आया होगा। हम जल्द जुड़ते हैं आप सभी से किसी नए और अच्छे जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।